कौन है आप बताइए, फालतू सवाल करते हैं। नहीं सर, तो मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो तय कर रहे हैं, जो कैंडिडेट वो जाएगा उसमें कैंडिडेट, हम राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं ना है राजद के। उपचुनाव हो रहा है तो राजद कांग्रेस में जिस तरीके से जो इस तरीके का चल रहा है, पार्टी के जो लोग हैं वो क्या तय करते हैं, कौन वहाँ से लड़ेगा क्या नहीं लड़ेगा वो जानेंगे। अखिलेश यादव ने आपको बुलाया है, जिस तरह से यूपी में चुनाव होने वाले हैं, अखिलेश जी से पारिवारिक संबंध है हम लोग का, और अखिलेश जी समय समय पर वो हमको हमसे बातचीत भी वीडियो कॉल पे होती है, हम लोग लगातार बातचीत भी करते हैं, और उन्होंने बुलाया है तो पूरे तरीके से हम लोग छात्र नौजवानों के साथ, छात्र जनशक्ति परिषद के जितने नौजवान हैं सब तमाम लोग, आज झारखंड से भी हम लोग जाएंगे वहाँ, उनको सहयोग करने का काम करेंगे। तेज प्रताप यादव जी हमारे साथ हैं। तेज प्रताप यादव जी, आपने जो है अपने ही आरजेडी के नेताओं पर मोर्चा खोल दिया, उन्होंने महिलाओं के साथ ठगी करने का आरोप लगाया। मोर्चा क्या खोलना है भाई, जो गलत करता है उसके खिलाफ जाना पड़ता है ना, अब तो सबूत के साथ हम दिखा रहे हैं, तो जितने भी जो पदाधिकारी हैं जो बने हैं बर्बाद कर रहे हैं, ऐसे लोगों को ना नहीं रखना चाहिए, तो सामने सच्चाई है ना, सब चीज़ है, सच्चाई है पूरे तरीके से। इसमें छात्र नौजवानों का आवाज़ उठाने के लिए शिक्षा, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, भ्रष्टाचार, कानून, लीगल सेल उसको पूरा मजबूत करने के लिए और लोगों तक जन तक तक पहुँचाने के लिए, आर्थिक स्थिति जिसका है न्याय को लेकर के, अब बबलू जी हैं, अब फिर से प्रदेश अध्यक्ष जी हैं प्रशांत प्रताप जी, तमाम लोगों का इसमें समावेश है इसको आगे बढ़ाने के लिए, और रात दिन इसको आगे बढ़ाने के लिए परिषद को हम लोग लगे हुए हैं इसको आगे बढ़ाना। अभी संजय जी हैं हमारे प्रदेश के, झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष हैं संजय जी हमारे मेन विंग के झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष ये हैं, इनको बनाया गया है, और ये पूरे तरीके से मेहनती लगनशील पूरे तरीके से हैं, इनको हमने बनाया है, और ये पूरे तरीके से वहाँ पे संगठन को और हर एक मुद्दाओं को इन्होंने टच करने का काम किया है, और लगातार ये संगठन हमारा झारखंड में भी फैलने का काम हुआ है, और लगातार पूरे बिहार में सबसे पहले हम लोग को फैलाना है। और कोई कलकत्ता की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सबसे पहले बिहार में नौजवानों को, जन जन तक लोगों को इसमें इस विचारधारा से, लालू जी की विचारधारा, सामाजिक न्याय का विचारधारा, जेपी जी का विचारधारा, लोहिया जी का विचारधारा, कर्पूरी ठाकुर जी का विचारधारा, तमाम लोगों का इसमें समावेश है, और उसी से ये छात्र जनशक्ति परिषद का उपज है, इसी से हम लोग लेकर के चलने का काम किए हैं, आज उसको पूरा जनजत हमको आजीवन इसी में अब काम करना है। युवाओं को राजनीति सीखो नेतृत्व करो का स्लोगन आपने दिया है, राजनीति सीखने की बात कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से छात्रों पर लाठियां चार्ज की जाती है नीतीश सरकार की, पुलिस जो है जिस तरह से व्यवहार करती है छात्रों के साथ, तमाम नौजवान जो जो संघर्ष कर रहे हैं, जो लाठी खा रहे हैं, उन्हीं के अधिकार के लिए, उन्हीं के लिए हमने इस संगठन का निर्माण करने का काम किया, छात्र जनशक्ति परिषद, और वैसे उसे लोगों को जोड़ने का इसमें काम हो रहा है। चलिए एक सवाल, अंतिम सवाल, कि अखिलेश यादव ने आपको बुलाया है, जिस तरह से यूपी में चुनाव होने वाले हैं, अखिलेश जी से पारिवारिक संबंध है हम लोग का, और अखिलेश जी समय समय पर वो हमको हमसे बातचीत भी वीडियो कॉल पे होती है, हम लोग लगातार बातचीत भी करते हैं, और उन्होंने बुलाया है तो पूरे तरीके से हम लोग छात्र नौजवानों के साथ, छात्र जनशक्ति परिषद के जितने नौजवान हैं सब तमाम लोग, आज झारखंड से भी हम लोग जाएंगे वहाँ, उनको सहयोग करने का काम करेंगे, और यूपी में उनकी सरकार बना के रहेंगे हम लोग। दो सीट क्यों नहीं जाएंगे, जब बुलाएं तो जाना ही पड़ेगा ना, चुनाव होगा यूपी में तो यहाँ बिहार में थोड़े प्रचार होगा, बिहार में चुनाव होगा तो बिहार में प्रचार होगा। दो सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं तेज प्रताप यादव जी, आपको जो आप जो हैं प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई देंगे, प्रचार प्रसार करेंगे अपनी पार्टी के लिए, उसमें प्रचार क्यों नहीं होगा, छात्र जनशक्ति परिषद और वहाँ पे सपा है, तमाम लोग साथ मिलजुल करके हम लोग प्रचार करेंगे उनको। दो सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, उपचुनाव हो रहा है तो राजद कांग्रेस में जिस तरीके से जो इस तरीके का चल रहा है, पार्टी के जो लोग हैं वो क्या तय करते हैं, कौन वहाँ से लड़ेगा क्या नहीं लड़ेगा वो जानेंगे। जदयू ने दोनों सीटों पर उम्मीदवार जो हैं उतार दिए हैं, महागठबंधन में फैसला नहीं हो पा रहा है जो कौन आरजेडी कितना सीट उतारेगी, अब तो जो इसके मुखिया वही ना बताएंगे, हम बताएंगे, अब जो इसके मुखिया वो बताएंगे, उनसे जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। आप भी तेज प्रताप यादव जी जो आरजेडी का नेतृत्व करते हैं, आपको तो पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, मुखिया राष्ट्रीय अध्यक्ष हम हैं, कौन है आप बताइए, फालतू सवाल करते हैं। नहीं सर, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो तय कर रहे हैं, जो कैंडिडेट वो जाएगा उसमें कैंडिडेट, हम राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं ना है राजद के,
हम तो एक सिपाही हैं, छात्र जनशक्ति परिषद के भी हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हमको बनाए हैं लोगों ने, तो हम काम कर रहे हैं। हम थोड़े छात्र जनशक्ति परिषद में हम बोले थे कि हमको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दो, हमको जिम्मेवारी मिला है, हमने करने का काम किया और हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। लालू यादव, चार चीज को हम लेकर के चलने का काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य ठीक ठाक है, स्वास्थ्य उनका, और समय समय पर चेकअप भी होता रहता है। पटना आएंगे, बहुत जल्द आएंगे पटना। धन्यवाद, धन्यवाद।